नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, तो जवाब में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल ने गाजा में कई इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा स्थित इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि इस्लामिक समूह हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई का असर अब आम लोगों पर भी पड़ रहा है। इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1400 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार देर रात जारी की एक रिपोर्ट में बताया, इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी में कुल 35 टारगेट को हिट किया था। इस दौरान 110 रॉकेट और बम दागे गए। ये कार्रवाई 20 मिनट तक चली और इसमें इजरायली एयरफोर्स के 54 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ गाजा पट्टी क्षेत्र से भी रॉकेट्स दागे जाने का सिलसिला जारी है। IDF का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर भी मारे गए। सोमवार सुबह तक हमास इजराइल के शहरों पर 3,150 रॉकेट दाग चुका है। इसके बदले में IDF फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1,180 एयर स्ट्राइक कर चुकी है। वहीं यूनाइटेड नेशन ने इजराइल और हमास के बीच जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। UN ने इस हिंसा को मानवीय आपदा का नाम दिया है। UN का कहना है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक के कारण अब तक 40,000 फिलिस्तीनियों को इधर से उधर जाना पड़ा है और करीब 2500 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। हालांकि इस हिंसा का नुकसान सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं हुआ है। बता दें कि कोरोना टेस्ट लैब के तबाह होने से फिलिस्तीनियों की मुसीबत बढ़ गई है। गाजा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट करीब 28% के ऊपर है। कोरोना मरीजों का इलाज उन हॉस्पिटल में होता है जिस पर 15 साल से इजराइल की नाकेबंदी है। यहाँ मरीज भरे हुए हैं। वहीं इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा में कई घर तबाह हो चुके हैं। हर रोज आसमान में आग के गोले, मलबे और काला धुआं दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।